नमस्कार कोरोना परामर्श को स्वागत करछि मो चिन्मय। वर्तमान राज्यवासी को चिंता बढ़ाई कोरोना कारण प्रत्येक दिन नुआ नुआ संक्रमित चिन्हट होउछन्ति किंतु या भितरे जदि लगातार भाबे देखिबा 15 दिन भितरे किछि स्थिति सुधरिबारे लागिछि बा संक्रमण रो संख्या वर्तमान कमुछि। कोरोना ग्राफ तळमु आउछि राज्य रे कोन रहिछि स्थिति ता उपरे टिके नजर पकेबा। आज रो स्थिति को जदि देखिबे ताले 24 घंटा रे वर्तमान चिन्हट होइछन्ति 3806 नुआ आक्रांत एवं क्वारंटाइन सेंटर रु चिन्हट होइछन्ति 2172 जण एवं बाकी 1634 रहुछन्ति लोकल केसेस। सेपरि राज्य रे कोरोना रे आक्रांत होइ 37 रो पुणी 37 जण को जीवन जाइछि। या भितरे 3806 नुआ कोरोना आक्रांत को मध्यरु खोर्धा रो सर्वाधिक चिन्हट होउछन्ति। आ वर्तमान रो स्थिति जदि देखिबे आपण जे वर्तमान खोर्धा कटक जाजपुर एवं बालेश्वर ये चारोटी जिला वर्तमान सबुटु डेंजर जोन रे रहिछि। माने चारोटी जिला रे पूरा राज्य रो जदि स्थिति देखिबे ये चारोटी जिला रो अधिक संक्रमित चिन्हट होउछन्ति जोति पई कि वर्तमान कटक एवं खोर्धा रे खास करी सरकार वर्तमान लॉकडाउन को टिके कटकणा करिछन्ति। कारण अन्य जिला गुड़िक जदि देखिबे आपण दक्षिण जो दक्षिण अंचल जो जिला गुड़िक रही पश्चिम ओडिशा कथा कहे ये जगह वर्तमान टिके संक्रमण जितेबाला कमुची से सरकार कटकणा कोहल करुछन्ति किंतु खोर्धा कटक कथा जदि देखिबे वर्तमान कटकणा कोहल ही नहीं। ये दुईट जिले में मुख्यतः पखापाखी जो 13 जिला रही उपकूलवर्ती जिला ये जिले में कटकणा को वर्तमान सुधा कोहल कराए ना सामान्यतम कोहल या भितर सबुठ गुरुत्वपूर्ण कथा हूँ आप ग्राफिकाली देखिपे जो चार्ट आम पाखे रही ब्लू मार्क जो चार्ट कर ये ब्लू रे जो मानकर जदि वर्तमान देखिबे ये बयसर सीमा रही जे ब्लू रे रही 15-40 वर्ष बयसर लोक जो मानकर वर्तमान पॉजिटिव संख्या अधिक आसुची राज्य रे एवं तापर देखिबे रेड जोन जोटा रही ये जो रेड जोन आपण देखुछंती रेड जोन होची पाखापाखी माने 41-60 वर्ष बयसर लोक माने आक्रांत होउछंती आ सेमानक संख्या रही 2,74,138 माने ता तळक रही। येलो जोन कथा जदि देखिबे येलो रे एभव 60 वर्ष जो माने रही सेमानक वर्तमान बा आक्रांत संख्या रही 84,427 ग्रीन जोन रे जो माने रही होती शिशु माने 0-14 14 वर्ष भितर जो माने रही संख्या हूँ वर्तमान 44,780 राज्य में पूरा सीधा सड़क देखिपे आपनारे जो ग्राफिकाली आम देखु जो खोर्धा कटक जाजपुर बालेश्वर पुरी ये समस्त जिले में वर्तमान पॉजिटिव संख्या अधिक आसुच्छा खोर्धार मृत्यु संख्या अधिक आसुच्छी जहाँ वर्तमान राज्य सरकार को चिंता बढ़ाऊँ जेहेतु राजधानी भुवनेश्वर रही है कटक होउछि गोटे बिजनेस रो हब सेंटर ये दुईट स्थान रे केमिति संक्रमण को रोका जाय परबो सेते पई कटकणा सामान्यतम कोहल करा जायछि विशेष किसी प्रभाव पड़िनी ये लॉकडाउन को जहाँ कोहल करा जायछि बा नुवा गाइडलाइन आनिछन्ति सरकार याकु नै कि हम आलोचना करबा किंतु वर्तमान रो गुरुत्वपूर्ण कथा होउछि जे जदि आपण कोरोना रे आक्रांत एवं घरे संगरोध रहिछन्ति किबा आपण कथारे कोरोना लक्षण अछि तबे व्यस्त होवंतु नै 24 घंटिया ओडिया न्यूज चैनल अर्गस एवं ओडिया समाज रो मिलित सहयोग रे आरंभ होइछि वरिष्ठ डाक्टर परामर्श एवं टेलीमेडिसिन रो सुविधा सकाळ 9:00 रु राति 9:00 मध्ये रे आपण माने आपण जो नंबर रही 011-412-3679 नंबर रे मिस कॉल करंतु तुरंत आपण को पाखरे पहुंचिबो चिकित्सा सेवा। देश रे कोरोना संक्रमण बढ़ी बढ़ी चली छि एहरि भितरे कोरोना आक्रांत माने संगरोधर रही सुस्थ होगा चाहती उभय कोरोना पॉजिटिव एवं कोरोना लक्षण देखा व्यक्ति क्षेत्र में यार मुकाबला करिवारे समस्या पलटि डाक्तरी सेवा कोरोना कटकणा समय घरे घरे डाक्तर पहुँचवा भी संभव ना एपरी संकट समय 24 घंटिया ओडिया न्यूज चैनल अर्गस एवं ओडिया समाज मिलित सहयोग में आरंभ हो वरिष्ठ डाक्तर परामर्श एवं टेलीमेडिसिन सुविधा 011-412-3669 नंबर को लिखि रखु जदि आपण कोरोना पॉजिटिव किंबा आपण कोरोना लक्षण रही घरे रही डाक्तर को सेवा चाहते तेबे गोटे मिस कॉल रे एही सेवा पहुंचिबो आपण पाखरे सकाळ 9:00 रु राति 9:00 मध्ये आपण माने एही नंबर रे गोटे मिस कॉल दियंतु डाक्तर को परामर्श नहीं चिकित्सित हो पारे औषध सम्बन्धी सूचना पारे देशर बछा बछा डाक्तर को सहित टेलीफोन रे परामर्श करिबा परे आपण सहजरे एवं सुविधारे चिकित्सा सेवा पाई परिबे। तेणु जदि आपण कोरोना रे आक्रांत किंबा आपण कठारे कोरोना लक्षण अछि तेबे एही नंबर रे मिस कॉल करंतु नंबर टी आपण को आउ थरे कहि रखुछु 011-412-36679 ब्युरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज। तेबे
आजि आम सहित जनता प्रश्नर उत्तर देवाई अच्छा डॉक्टर शिवकल्याण विश्वाल। डॉक्टर शिवकल्याण होती ओडिया समाज दिल्ली पैनल रो सदस्य। डाक्तरों सह परामर्श आपण आमको कल करेंगे। आम नंबर टी हूँ जे 8763274894। ए नंबर में आपड़ कल करेंगे। आपवी स्क्रीन में फ्लाश होता नंबर में आमको कल करूँ। डाक्तर परामर्श निम सहित बर्तमान जोड़ी होती डॉक्टर शिव विश्वाल। तेब शिवकल्याण विश्वाल जोड़ी होती डॉक्टर। तबे डॉक्टर आपको आलोचना को स्वागत जनइबी। आम जमी आलोचना करे जहाँ आम जाने जे वास्तविक भाव आप पल्मोनोलॉजिस्ट जो माने कि फुसफुस उपरे बेसी गवेषणा करिथांती। वास्तविक भाव जो सेकेंड लहर कथा खास करी कहा जाउची जे कोरोना रो सेकेंड लहर अधिक प्रभाव पकाउची लोकंकर फुसफुस उपरे डायरेक्ट अटैक करुची लंग्स को जहाँफल कि वर्तमान राज्य में जमती कि तार भयावहता आम देखीचे जे एक्मो मेसीन नथिबारु केमती कि वेस्ट बेंगल को लोक माने जाउछंती चिकित्सा हाबापै। साधारणतः आपण को प्रथम प्रश्न रहइबो जे कोरोना जदि जन को संक्रमित होउछिबा कोरोना संक्रमण रे तार फुसफुस रे किछि प्रॉब्लम आसुछि कोन एमती सिम्पटम्स तादिर देखा जिवो जति पई कि से जानि परिबो जे तार लंग्स अफेक्टेड होउछ बोली। डॉक्टर विश्वाल ऑडिबल होउछि? तेज जोगाजोग आरंभ आम चेस्टा कर डॉक्टर सहित जोगाजोग करने जानवापी खास कर सेकेंड लहर कथा जदि कहुए सेकेंड लहर लोक अधिक इफेक्ट ए पकाउची जे लोक लंग्स को डायरेक्ट अटाक कर लंग्स को अटाक करने तार भयभयता समस्ते जाचे केमती राज्य वर्तमान लंग्स को जब अटाक कर तार भित्तिमि सठिक भाव में आम सुधारी पारिने जो कि लोक मैंने चिकित्सा पाई जो कि अनेक बाहर को जीवाई पड़ू कितु कथा हो जदि जन को जड़े कोरोना संक्रमित होती तार लंग्स को अफेक्ट करुच्ची कौन तक सिम्टम्स देखा प्राइमरी स्टेज से केमती जान वास्तविक बोध हुए मोर लंग्स अफेक्टेड होली कारण अनेक प्रकार लोकों पाखे अनेक सिम्टम्स देखा जामती कि माइल्ड जो मान सिम्टम्स देखा जाए से पाखे ये सब देखा जाए ना कि जदि लंग्स और फुसफुस को अटाक करें अधिक डेंजर नाबापी कौन केमती तार परामर्श डॉक्टर देवे सहित आलोचना करने और जो कलर्स मैंने रही जदि आपण पाखे किसी सेमती समस्या रही किसी परामर्श चाहते ये कोरोना समय डॉक्टर ठारे आपण टीवी स्क्रीन में फ्लाश होता नंबर में आपड़ कल करेंगे डॉक्टर सहित कथे और परामर्श लोड़ी पारे कि गुरुत्वपूर्ण कथा जे आम आलोचना करुच्छे फुसफुस जदि अटाक होती सिम्टम्स कौन आदि से भाई किसी आपण सिम्टम्स देखा जाए आप माइल्ड स्टेज में कौन करेंगे प्राइमरी स्टेज में कौन करेंगे कौन ट्रिटमेंट अपने गुरुत्वपूर्ण कथा या भितर आसूँ कोरोना जदि जन को संक्रमण व संक्रमण कोरोना होते दिन भितर यह फुसफुस को अटाक कर गुरुत्वपूर्ण कथा कारण अनेक डेरी जदि फुसफुस को अटाक करुच्चित आपण बहुत कम चान्सेस थपे चिकित्सा सुस्थ होगापी कितु जदि आपड़ पूर्व जानते आप जो डेंजर जोन जदि तापूर्वर आप जापे ना वर्तमान माइल्ड स्टेज अच्छी प्राइमरी स्टेज अच्छे जदि ट्रीटमेंट कराए तो हूँ तो आप सुस्थ हो पारे केमती डॉक्टर सहित परामर्श करेंगे मानते वास्तविक भाव में कौन कले आप सुस्थ हो पारे इनके आलोचना करवा डॉक्टर आम सहित जोड़ी होती आम जोजोग कर सहित खूब शीघ्र जोड़ापी वर्तमान समस्त चिंता बढ़ा कोरोना तेज वर्तमान पुणी आम सहित डॉक्टर जोड़ी होती स्वास्थ्य विशेषज्ञ अच्छा डॉक्टर शिवकल्याण विश्वाल अच्छा श्रीजुक्त विश्वाल आपण को आलोचना को स्वागत जनइबी। तेज डॉक्टर विश्वाल आपण प्रथम क्वेश्चन रदि जन को लंग्स को जदि कोरोना वायरस अफेक्ट करुच्ची तेल केमती से जान कौन एमती सिम्टम्स रू से जापर जे ना तार लंग्स अफेक्टेड बोली देखते मैडम लंग्स इज द मोस्ट कॉमन ऑर्गन जोटा की फर्स्ट इनवॉल्व होती फीवर स्टार्टिंग रे फीवर होती हेडेक होती बॉडी एक होती जो नॉर्मल वायरल इलनेस को सिम्टम्स रहइबो सेटा रहइबो बट कोरोना रे स्पेसिफिक सेटा की आपन को लंग्स को अफेक्ट करइबो इनिशियली जब लंग्स अफेक्ट होबो तो यू कैन हैव अपर रेस्पिरेटरी सिम्टम्स और लोअर रेस्पिरेटरी सिम्टम्स। अपर रेस्पिरेटरी सिम्टम्स में आपन को गला बथा ही पारे खास रेस्पिरेटरी सिम्टम्स खास अधिक हम निश्वास नबारे असुविधा लगे आपन को ऑक्सीजन सैचुरेशन जब आप चेक करेंगे ऑक्सीमीटर रे सैचुरेशन कम आसी पारे तो ये सब जिन आप नोटिस करेंगे से आपको
ଡକ୍ଟର ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରି ଲଙ୍ଗ୍ ଏଫେକ୍ଟ ହେଇଛି କି ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣ କନଫର୍ମ କରିପାରିବେ। ଆଜ୍ଞା, ତେବେ ଡକ୍ଟର ଯେହେତୁ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ଗଳା ଦରଜ ହେବା କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସାଚୁରେସନ୍ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯଦି କମୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଯେ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ଲଙ୍ଗସ୍କୁ ଆଫେକ୍ଟ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ୟା ଭିତରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କରୋନା ଜଣକୁ ସଂକ୍ରମଣ ବା କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ କେହି ଜଣେ ହେଉଛି ତାହେଲେ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ହେଉଛି ଯେ କେତେ ଦିନ ବା କେତେ ସମୟ ବ୍ୟବଧାନରେ ଗୋଟେ ଭାଇରସ୍ ଲଙ୍ଗସ୍କୁ ଆଫେକ୍ଟ କରିପାରିବ, ନା ସେମିତି କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ସୀମା ନାହିଁ। ହଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡମ୍, ୟୁଜୁଆଲି ଏବେ ଯୋଉ ଆମେ ଲାଷ୍ଟ ଦୁଇଟା ୱେଭ୍ ଦେଖିସାରିଲେଣି ଆଉ ଯୋଉଟା ଆମେ କ୍ଲିନିକାଲ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରୁଛେ ସେଥିରେ ଆମକୁ ୟୁଜୁଆଲି ଦୁଇଟାରୁ ତିନିଟା ଫେଜ୍ ଆମେ ନୋଟିସ୍ କରୁଛେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଯୋଉଟା ଦେଖୁଛେ ସେଇଟା ଆମେ ମାଇଲ୍ଡ ଇଲନେସ୍ କି ମାଇଲ୍ଡ ସିମ୍ପଟମ୍ସ କି ଇନିସିଆଲ ଅପର ରେସ୍ପିରେଟରୀ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ୟା ସିଷ୍ଟମିକ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ଯୋଉଟାକି ଫିଭର ସୋର୍ ଜୋର୍ ଏଗୁଡ଼ା ନୋଟିସ୍ କରୁଛେ। ଫାଇଭ୍ ଡେଜ୍ ପରେ ଆମେ ଦେଖିବା କି ପେସେଣ୍ଟର ଯଦି ଫିଭର ପରସିଷ୍ଟ କରୁଛି ତାହେଲେ ରେସ୍ପିରେଟରୀ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ଆସିବାର ବେଶୀ ଚାନ୍ସେସ୍ ରହୁଛି। ସେଥିପାଇଁ 5-10 days ହଉଛି ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଲାଇନ୍ ଯୋଉଟାକି ଆପଣଙ୍କର ସିମ୍ପଟମ୍ସର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଯଦି 5-10 days ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଫିଭର ଠିକ୍ ହଉନି ତ କାଶ ଆରମ୍ଭ ହେଲା କି ନିଶ୍ୱାସରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା ତାହେଲେ ଆପଣ ଡେଫିନେଟଲି ତାକୁ ସସ୍ପେକ୍ଟ କରିବେ କି ଲଙ୍ଗ ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇସାରିଲାଣି ଆଣ୍ଡ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଡକ୍ଟର ବିଶ୍ୱାଳ, ଆମେ ଆଲୋଚନା ଆଗକୁ ଜାରି ରଖିବା ଯେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ଦେଖାଯାଉଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ପ୍ରାଇମେରୀ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ କ'ଣ କରିବା, ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରଖିବା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହେଉଛି କରୋନା ପରାମର୍ଶରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ କମର୍ସିଆଲ ବ୍ରେକ୍। ବ୍ରେକ୍ ପରେ ସ୍ୱାଗତ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କରୋନା ପରାମର୍ଶ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ଯଦି ପରାମର୍ଶ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଡକ୍ଟରଙ୍କର, ତେବେ ଆମ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡକ୍ଟର ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ପଲ୍ମୋନୋଲୋଜିଷ୍ଟ ଡକ୍ଟର ଶିବ କଲ୍ୟାଣ ବିଶ୍ୱାଳ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ତାଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଦେଇପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଟିଭି ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଫ୍ଲାସ୍ ହେଉଥିବା ନମ୍ବରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କଲ୍ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଜଣେ କଲର୍ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ। କିଏ କହୁଥିଲେ, ଡକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ, ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବେ। ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଶ୍ରୀ ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ମେଣ୍ଡାସାଲ। ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ, କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି? ବାର ପାଞ୍ଚରେ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ନେଇଥିଲି, କ'ଣ ଆର୍ଟିପିସିଆର ଟେଷ୍ଟ କରିଥିଲି, ମୋର ମାନେ ପଜିଟିଭ ବାହାରିଥିଲା। ଆଜ୍ଞା, କୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଆଜିକି ମାସେ କେତେ ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ଆଜ୍ଞା, ସେମାନେ ମୁଁ ଔଷଧ ଖାଉଛି ସବୁ କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ 4-5 ଦିନ ହେଲା କାଇଁ ଛାତି ଟିକେ ଜର୍ଜର ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରବଳ ଭୋକ ହଉଛି। ଆଜ୍ଞା, ଡକ୍ଟର ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି। ଡକ୍ଟର ବିଶ୍ୱାଳ, ଆପଣ ପ୍ରଶ୍ନଟି ବୋଧହୁଏ ଶୁଣିପାରୁଥିଲେ, ତେବେ କ'ଣ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ? ଜରଣ ବାବୁ, ଆପଣଙ୍କର ଛାତି ଦରଜ ହବାଟା ସବୁବେଳେ ରହୁଛି କି ମଝିରେ ମଝିରେ ହଉଛି? ଆପଣଙ୍କର ଏବେ ଆପଣଙ୍କର କେବଳ ଛାତି ଦରଜ ହଉଛି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ନିଶ୍ୱାସ ବଢଉଛି। ବୋଧହୁଏ ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ରଙ୍କର ଫୋନ୍ଟି କଟିଯାଇଛି, ଯେ କଲର୍ ଯୋଡ଼ି ହେଇଥିଲେ। ତେବେ ଡକ୍ଟର ବିଶ୍ୱାଳ, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ, ଯାହା ସେ କହିଲେ ଯେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ୍ସରେ କରିନାହାନ୍ତି? ତାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିବେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସରେ କରିବା ପାଇଁ, ଏକ୍ସରେ କରେଇବେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଲେଭେଲଟା ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ସେ ଏକ୍ସରେରେ କିଛି ଥିବ ସେଇ ଅନୁସାରେ ପୁଣି ଆଗକୁ ଆମକୁ ସେ ଏକ୍ସରେ ଫାଇଣ୍ଡିଂ ହିସାବରେ
परामर्श अनुसार काम करेंगे। तेज डॉक्टर बिस्तल आलोचना करुले सिम्टम्स कौन थाए वास्तविक जो सिम्टम्स आसुची माइल्ड स्टेज रे जन कौन कर मानते कौन से स्टेप नब यदि माइल्ड सिम्टम्स रहुछि यदि लंग इन्वॉल्वमेंट रो इनिशियल स्टेज आपण जानि पाछन्छि कि आपनको डॉक्टर आपनको से बिषयरे सजेस्ट करले तो आपनको फर्स्ट ऑफ ऑल जेते तो आपनकर मॉनिटरिंग करबाक पडिबो ऑक्सीजन लेवल। यदि ऑक्सीजन लेवल आपनकर 94 रु अधिक रहुछि ताहले तो आपनको ऑक्सीजन दबार किछि रिक्वायरमेंट नाही, किंतु यदि आपनकर ऑक्सीजन लेवल 92 रु तळ को खसिला ताहले आमको ऑक्सीजन सप्लीमेंटेशन रो इंडिकेशन आसी। सेकंड हला कि आपनकर सेकंड लाइन हला कि आपनको स्टेरॉइड ट्रीटमेंट जोटा आमे यूजुअली दूचे जो मानकर रेस्पिरेटरी फेलियर होची बा ऑक्सीजन लेवल कम होची तो मानको ड्यूरिंग दिस सेकेंड वेव ऑफ कोविड माने बहुत पेशेंट्स को होम केयर रे ट्रीटमेंट करते निश्चित भाव रे। डॉक्टर आलोचना तो आगो को जारी रहबो किंतु अनेक कलर्स मध्ये हम सहित जोडी होचंती तांको प्रथमे तो ए अनुरोध करबि जे जो कलर्स माने जोडी होचंती प्रथमे आपनकर टीवी वॉल्यूम किबा मोबाइल रो वॉल्यूम को पूरा म्यूट करंतु तापर डॉक्टर को सहित आपन कथा होंतु। आ जने कलर हम सहित जोडी होचंती जगतसिंहपुर रो आज्ञा के कहथिले एवं कोन आपनकर प्रश्न रहबो बुलाउछि सर आप शुणी पारे जे प्रश्न थिला जे फास्ट डोज से नहीं सारी सेकेंड डोज नहीं नहांती सी पॉजिटिव नहांती किंतु तांको देह थरुची एवं वर्तमान तांको जहाँ सब से कहते प्रॉब्लम हो कौन परामर्श देवा चाहिए डॉक्टर बिस्वाल बहुत है फोन देह मुंडोटा बुलौ छी अधिक समय मुंडोटा बुलौ छी आ देह पे निश्चय लागो छी हालिया लागो छी देह बेसे हालिया लागो छी दुर्बल लागो छी। अच्छा ना अपन अगर बीपी चेक करते नि अपन एक तरह बीपी चेक करंतु वो समय आ गया हां बीपी अपन चेक करते छी आ गया कते रहू छी बीपी लो रहू छी बीपी ते लो रहू छी हां कते रहू छी बीपी आउ यदि बीपी आपन को नॉर्मल आसला तो बाकी आपन को मते लागनी कि कोविड रो वैक्सीनेशन इमीडिएटली नबा जरूरी आपन केबे लास्ट डोज केबे दिसले कल डोज केबे दिसले डॉक्टर विश्वर बोधे फोन टे कटी जाई छे किंतु तांको आपन जहां परामर्श दे परबे जे से जहां कहथिले जे वर्तमान तंकर जमती के बॉडी ट्रम्बलिंग होच माने तंको वर्तमान तंको जे फिजिकली ठीक ठीक हला वीक लागो छी हां काहे ना इमीडिएटली नेले जाना पड़ी वने कि एटा समथिंग जोटा अनरिलेटेड टू द वैक्सीन और रिलेटेड टू द वैक्सीन आज्ञा। तेज डॉक्टर बिस्वाल आप शेष प्रश्न रहा जानते कि जमी वर्तमान राज्यवासी समस्त गोटे चिंता जे फुसफुस को अटैक कले
ଏକମୋ ଚିକିତ୍ସା ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଚିକିତ୍ସା ଅଛି ଯେଉଁଟା କି ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଆଭେଲେବୁଲ ନାହିଁ, ଏମିତି କ'ଣ ସେଇଟା ଷ୍ଟେଜ୍ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ରେ କେଉଁ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ଆସିଲେ ଏକମୋ ଚିକିତ୍ସା ଦରକାର ପଡ଼େ ଲୋକମାନେ ବି ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କାଇଣ୍ଡଲି ଟିକେ କହିବେ କି ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ କ'ଣ ଏମିତି ଫୁସ୍ଫୁସ୍ରେ ଯେଉଁ ଦେଖାଯାଉଛି ସମସ୍ୟା ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଏକମୋ ଚିକିତ୍ସାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି? କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଯୋଉ ଟର୍ମିନୋଲୋଜିର ଏକ୍ସପାନ୍ସନ୍ ହେଲା ଏକ୍ସଟ୍ରା କର୍ପୋରିଆଲ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ଅକ୍ସିଜେନେସନ। ସୋ ଏକ୍ସଟ୍ରା କର୍ପୋରିଆଲ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ଅକ୍ସିଜେନେସନର ମାନେ ହେଲା ଯେମିତିକା ଆମେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଯେତେବେଳେ ଦେଉଛେ ପେସେଣ୍ଟକୁ ଭେଣ୍ଟିଲେଟରର ଥ୍ରୋରେ, ସେଟା ଯାଇକି ଆମ ଲଙ୍ଗସରେ ସେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ଟା ଡେଲିଭର ହେଉଛି ତା, ଏବଂ ସେଇ ଅକ୍ସିଜେନ୍ଟା ବ୍ଲଡ୍କୁ ଲଙ୍ଗର ସର୍ଫେସ୍ରୁ ହିଁ ସେଟା ଆବଜର୍ପସନ୍ ହେଉଛି। ଫ୍ରମ୍ ଦି ଲଙ୍ଗ ସର୍ଫେସ୍ ଦି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଗେଟ୍ ଆବଜର୍ବ ଇନ୍ ଟୁ ଦି ବଡି ଅର୍ ଦି ବ୍ଲଡ୍। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଲଙ୍ଗ ସିଭିଅର୍ଲି ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଇଥାଏ, ଯୋଉଟା ଆମେ ଦେଖୁଛେ କୋଭିଡ୍ ପେସେଣ୍ଟରେ କି ତା ଆଗରୁ ଆମେ H1N1ରେ ଦେଖୁଥିଲେ, ସେ ଯୋଉ ଲଙ୍ଗ କଣ୍ଡିସନକୁ ଆମେ ମେଡିକାଲି ARDS ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ତ ଯୋଉ ARDS ଲଙ୍ଗସରେ ୟୁଜୁଆଲି କ'ଣ ହୁଏ କି ଯଦି ଆମେ ଫୁଲ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସପୋର୍ଟ ବି ଦିଅନ୍ତି, ଯେବେକି 100% ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଡେଲିଭର କରୁଥାଏ ମେକାନିକାଲ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର, ତ ସେତେବେଳେ ବି ଆମେ ପେସେଣ୍ଟର ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଲେବୁଲଟାକୁ ଯୋଉ ଏଡିକୁଏଟ 88% ମିନିମମ୍ ଯୋଉ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଲେବୁଲ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା କଥା କିଛି ପେସେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କର ଯୋଉଟା ଆମର ମିନିମମ୍ ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ, ସେଟା ଯେତେବେଳେ ମେଣ୍ଟେନ୍ ନ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଚାହାନ୍ତି କି ପେସେଣ୍ଟ ଆମକୁ ଲଙ୍ଗସର ଯୋଉ ଅକ୍ସିଜେନେସନ ପାୱାର ଆଫ୍ଟର 100% ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସପ୍ଲାଏ ସେଟା ବି ସେ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିପାରୁନି, ବଡିକୁ ସପ୍ଲାଏ କରିପାରୁନି, ସେଇ କଣ୍ଡିସନରେ ଆମେ ତାକୁ ଏକମୋ ପାଇଁ ଚୁଜ୍ କରନ୍ତି। ଏକମୋଟା ଇଜ୍ ସିମିଲର ଟୁ ଏ ଏକ୍ସଟ୍ରା କର୍ପୋରିଆଲ, ମାନେ ବଡିର ବାହାରେ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ଅକ୍ସିଜେନେସନ ମାନେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ଟାକୁ ଆମେ ବାହାରୁ ସପ୍ଲାଏ କରୁଛେ, ନଟ୍ ଥ୍ରୁ ଆୱାର ଲଙ୍ଗ। ତ ବ୍ଲଡ୍ ଆମ ଶରୀରରୁ ଯାଇକି ଗୋଟେ ଅଲଗା ଗୋଟେ ଚେମ୍ବରରେ ଅକ୍ସିଜେନେଟ୍ ହବ, ଆଉ ସେଥିରୁ କାର୍ବନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ବାହାରିବ, ଏବଂ ଯୋଉ ଅକ୍ସିଜେନେଟେଡ୍ ବ୍ଲଡ୍ଟା ଆସିକି ପୁଣି ବଡି ଭିତରକୁ ଆମେ ଫେରି ଆଣିବ। ଡକ୍ଟର ବିଶ୍ୱାଳ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଆମ ସହିତ ଡକ୍ଟର ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ ଶିବକଲ୍ୟାଣ ବିଶ୍ୱାଳ, ଏବଂ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ ଯେ ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଜନିତ ଯାହା ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଥାଏ କରୋନାରେ, ଖାସ୍ କରି ଯଦି ସେକେଣ୍ଡ ଲହର କଥା କହିବା, ସେକେଣ୍ଡ ଲହରରେ ଅନେକଙ୍କର ବା ଅନେକ ରୋଗୀ ଯେଉଁମାନେ କରୋନାରେ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ୟା ହୋଇଥିଲା ଯେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ବା ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସାଚୁରେସନ୍ କମେ, ଯାହାଫଳରେ ଅନେକ ଥର ମଧ୍ୟ ଯାହା ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଛି, ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି ଯେ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ବା ସେକେଣ୍ଡ ଲହରର ଯେଉଁ ମ୍ୟୁଟାଣ୍ଟ ରହିଛି ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଫୁସ୍ଫୁସ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆଟାକ୍ କରୁଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଅନେକ ସମସ୍ୟାରେ ରୋଗୀମାନେ ପଡ଼ନ୍ତି। ଏ ନେଇ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମେ ଏହି ସମୟରେ ଠିକ 3 ସମୟରେ କରୋନା ପରାମର୍ଶ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇକି ଆସିଥାଉ ଲାଇଭ, ଏବଂ ଡକ୍ଟର ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତି, ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ସମସ୍ୟା ଥାଏ ଆମ ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ। ଆମର ଯାହା ନମ୍ବର ରହିଛି ସେ ନମ୍ବରରେ ଆପଣ କଲ୍ କରିପାରିବେ, ଡକ୍ଟରଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ମଧ୍ୟ କଥା ହୋଇପାରିବେ। ସମସ୍ତ ଅଛି ଆଜିର କରୋନା ପରାମର୍ଶକୁ ଏଠି ରଖୁଛୁ, ନମସ୍କାର।